हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। एंड आज के इस वीडियो में मैं कुछ ड्रेसेस आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। ये हैं कुछ ड्रेसेस जिनका मैं आज रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। जहां जहां से मैंने ड्रेसेस मंगाई है सभी में रिटर्न पॉलिसी है, फ्लिपकार्ट में भी रिटर्न पॉलिसी है, 7 या 14 डेज की मिल जाएगी किसी किसी ड्रेस को लेके। एंड टोक्यो टाकीज में भी 7 या 14 डेज की आपको रिटर्न पॉलिसी मिल जाएगी। एंड लिटिल बॉक्स में भी रिटर्न पॉलिसी है, यानी कि जहां से मैंने सामान मंगाए हैं सब में रिटर्न पॉलिसी है। अगर आपको सामान पसंद नहीं आता है तो आप रिटर्न कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का हॉल ज्यादा देर ना करते हुए। फ्लिपकार्ट की जितनी भी मैं आपको ड्रेसेस दिखाने वाली हूँ अभी, इनका अमाउंट 388 रुपीज से लेके 599 रुपीज तक है। मतलब आपको 600 के अंदर ही ये सारी ड्रेसेस मिलने वाली है। एंड ये जो मैं ड्रेस दिखा रही हूँ इसी का सबसे ज्यादा अमाउंट है, यानी कि 599 रुपीज की ये ड्रेस है अभी करंट प्राइस जो इसका चल रहा है। सो ये है इसकी फ्रंट साइड। यहाँ पे आपको ये नेक इस टाइप में मिल जाएगी, वी नेक में। जिस टाइम पे मैंने इसको वेयर किया था तो मुझे यहाँ पे सेफ्टी पिन लगानी पड़ी, क्योंकि ये आप देखोगे ऐसे क्रिस क्रॉस वाली है। बहुत ज्यादा फ्लेयर नहीं है इसमें, एक जो इस तरीके से ऐसे आता है ना, थोड़ा जब हम घूमेंगे तो बहुत ज्यादा हमें इसमें फ्लेयर नहीं मिलेगा। अगर आपका बर्थडे है या फिर आप किसी पार्टी वगैरह में जाने का सोच रहे हैं तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो ये स्लीव लेस आई है, इसके साथ में स्लीव्स भी नहीं है अटैच। एंड इसके यहाँ पे साइड में हमें ये चैन मिल जाती है जो कि काफी नीचे तक ऐसे लंबी जाती है। तो मतलब इससे ये फायदा होता है कि कंफर्टेबल रहता है इनको वेयर करने में, जो वन पीस वाली ड्रेस होती है। कि अदर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स वहां पे अवेलेबल थे। मुझे एक्चुअली ब्लू कलर बहुत ज्यादा सुंदर सा लग रहा था, बट ब्लू कलर पे जैसे ही मैंने क्लिक करा तो वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया। तो मैंने फिर दूसरा सेकेंड कलर, मुझे ये बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा था तो इसलिए मैंने इसको पिक किया। तो आपको जो कलर अच्छा लगे आप उसको पिक कर सकते हैं, अगर इन स्टॉक में ब्लू वाला भी आ गया होगा तो। ये ड्रेस है जॉर्जेट फैब्रिक में एंड इसके अंदर से हमें लाइनिंग मिल जाती है, जो कि मैं आपको दिखा देती हूँ लाइनिंग की क्वालिटी। ये कुछ ऐसी लाइनिंग हमें इसके अंदर से मिलती है। ये एक सॉफ्ट सा फैब्रिक है, इसकी क्वालिटी हम बोल सकते हैं कि 10 out of 10 है। आप इसको परचेस कर सकते हैं। सो इसके बाद अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट ड्रेस, जो कि है ये ग्रीन कलर में। ये इसकी फ्रंट साइड एंड ये कुछ इस टाइप के लुक में आती है। ये यहाँ पे हमें इसकी इतनी स्लीव्स मिल जाएंगी और ये भी जॉर्जेट फैब्रिक में है। इसके अंदर से भी हमें लाइनिंग मिल जाती है, उसी कलर की है। थोड़ा सा आपको मतलब जो वो कपड़ा दिखाया था मैंने वो थोड़ा सा डिफरेंट था और ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये सॉफ्ट सा नहीं है, थोड़ा सा मतलब चिकना सा कपड़ा है, थोड़ा सा मतलब ऐसे फिसलने वाला कपड़ा है। तो ये कपड़ा कुछ ऐसा था इसके अंदर की लाइनिंग का, मुझे एक्चुअली नाम नहीं पता है, बट मैं आपको इसका लुक दिखा देती हूँ। कुछ ऐसा इसका लुक आएगा। ये मैं आपको इसका फ्लेयर दिखा देती हूँ अब। तो ये देखिए इसका फ्लेयर कुछ इतना आने वाला है। इसका फ्लेयर पहली वाली ड्रेस से थोड़ा अच्छा है। तो मतलब ये ओवरऑल ड्रेस हमें ऐसे ही मिलेगी। ये है हमारी नेक्स्ट ड्रेस जो कि है ब्लू कलर में एंड ये पूरी ही प्रिंटेड ड्रेस है। ये वैसे मुझे कंफर्टेबल सी फील हुई, जितना इसका प्राइस है उसके अकॉर्डिंग काफी अच्छी ड्रेस है। जो हमें कलर मिल रहा है, मतलब कलर भी काफी अच्छा है एंड ये भी जॉर्जेट फैब्रिक में है। एंड इसकी स्लीव्स हमें फुल मिल जाती है, इस टाइप से है इसकी स्लीव्स। इन्होंने एडजस्ट करने के लिए 2 डोरियां दी है। तो मुझे लूज थी तो मैंने इसको इस तरीके से बांधा हुआ था एंड यहाँ पे थोड़ी सी सिलवट आ रही थी तो वो थोड़ी सी अजीब सी लग रही थी जिस टाइम पे मैंने इसको वेयर करा था। वेयर करने के बाद का लुक आप देख सकते हैं कि वेयर करने के बाद ये कैसी लगती है। कलर वगैरह काफी अच्छा है एंड कंफर्टेबल सी ड्रेस है। एंड इसको हम कितना भी ऐसे इस तरीके से मोड़ लें तो इसमें हमें प्रेसिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उस टाइप का फैब्रिक है। इस ड्रेस को परचेस करने से पहले मैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हुई। इसमें ना डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स थे थोड़े से और कलर्स भी अलग अलग थे, तो मैं थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो रही थी कि मेरे ऊपर कौन सा वाला अच्छा लगेगा। तो फाइनल मैंने फिर ये वाला करा एंड ये मुझे कुछ ऐसी रिसीव हुई है। ये इसमें आप देखेंगे तो हल्का सा इसका ना सॉफ्ट सा फैब्रिक है और यहाँ पे इसका मैं लुक दिखाऊँ आपको, फ्रंट से भी ऐसा ही आएगा एंड बैक साइड से भी ऐसा ही आएगा। और इसमें हमें स्लीव्स मिल जाती हैं और ये
यहाँ पे एंड में स्लीव्स में ये भी स्ट्रेचेबल मिल जाता है। ये सबसे सस्ती ड्रेस है 388 रुपीस की। नेक्स्ट ड्रेस हमारी है ये ग्रीन कलर में है एंड थोड़ा सा मल्टी कलर भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें पिंक कलर भी यूज हो रखा है। और ये स्ट्रैप में है, ये आपको इसमें स्ट्रैप मिल जाएंगी एडजस्ट करने के लिए यहाँ से। एंड बाकी ये इसकी फ्रंट साइड है, बैक साइड में आपको दिखा देती हूँ, कुछ ऐसे आती है। और ये भी मैंने एम साइज में ही मंगाई है। और ये है इसकी एंड का डिजाइन, ये कुछ इस वाले पैटर्न में आएगी। इसका प्राइस है 495 रुपीज। इसका एक और डिफरेंट कलर अवेलेबल था, मैंने इसको इसी कलर में मंगाया क्योंकि मेरी इसी कलर पर बहुत टाइम से नजर थी। एंड बाकी आप इसका लुक देख ही सकते हैं, मुझे कुछ ऐसी रिसीव हुई है। बहुत ज्यादा फ्लेयर नहीं है इसका, नॉर्मल फ्लेयर है, बट वेयर करने के बाद इसका ये जो कलर है बहुत ज्यादा खिल के आ रहा था, एक सुंदर सी ड्रेस लग रही थी। अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट ड्रेसेस जो मैंने टोक्यो डाकीज ब्रांड से मंगाई है। तो ये सभी ड्रेसेस आपको फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगी, अमेजोन पे भी मिल जाएगी, मिंत्रा पे भी मिल जाएगी। टोक्यो डाकीज आप ब्रांड सर्च करोगे तो टोक्यो डाकीज में से बहुत ज्यादा फेमस हो गया है ब्रांड। सो ये आ जाती है इसकी फ्रंट साइड। स्टार्टिंग में यहाँ पे ना एक कट सा है इसमें, इस टाइप से कुछ डिजाइन सा दिया हुआ है इन्होंने। तो पहले मुझे लगा कि कहीं ये मतलब खराब पीस तो नहीं दे दिया है, तो मुझे थोड़ा सा स्टार्टिंग में देख के ऐसे लगा, लेकिन जिस टाइम पे मैंने इसको वेयर किया बहुत ही ज्यादा सुंदर सी लग रही थी, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि इसका जो फ्लेयर है वो भी बहुत ज्यादा प्यारा सा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसमें फ्रंट में आपको ऐसे प्लेन फैब्रिक मिलता है, बैक साइड में आपको ये स्ट्रेचेबल वाला फैब्रिक मिलता है। इस ड्रेस को लेने में मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई, मुझे बहुत पहले कमेंट आया था कि हमें कोई विंटर की ड्रेस दिखाइए जो विंटर में हम वन पीस पहन सके, लॉन्ग टाइप का भी हो, कम्फर्टेबल फील हो। तो उस टाइम पे मैंने विश लिस्ट में रखा था सेम टोक्यो टाकीज में। इसका प्राइस उस टाइम पे थोड़ा ज़्यादा था, 1400 समथिंग था, बट अब इसका प्राइस थोड़ा सा कम हो गया था तो इसलिए मैंने इसको परचेस किया। एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो ये मुझे कुछ ऐसी रिसीव हुई है ड्रेस, काफ़ी वॉर्म है, हम वॉर्म बोल सकते हैं। एंड ये है इसकी स्लीव्स, कुछ इस टाइप से हमें लॉन्ग स्लीव्स मिल जाती हैं, काफ़ी बढ़िया सा फैब्रिक है। इसको भी मैंने टोक्यो टाकीज की ऑफिशियल वेबसाइट से मंगाया है एंड इसका अभी करंट प्राइस चल रहा है 1000 कुछ समथिंग, मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं है बट 1000 समथिंग तो है। ये है इसकी फ्रंट साइड का लुक, इसमें हमें साइड में दो पॉकेट्स मिल जाती हैं जो कि बहुत ही अच्छा सा डिज़ाइन क्रिएट कर रही है। बैक साइड में आप देखोगे इसमें हमें ये कट मिल जाता है और इसे हम बूट्स के साथ में वेयर कर सकते हैं, शूज़ के साथ में वेयर कर सकते हैं, जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल हो विंटर्स में। और ये इसकी हमें नेक मिल जाती है, नेक बहुत ज़्यादा प्यारी लगी मुझे क्योंकि ये ऐसे जब फोल्ड होती है ना जिस टाइम पे हम इसको वेयर करते हैं तो ये एक बढ़िया सा लुक देती है, इस टाइप से ना काफ़ी अच्छा सा लुक देती है। वो ड्रेसेस मैंने फर्स्ट टाइम लिटिल बॉक्स से मंगाई है, उसकी मैं आपको पैकेजिंग दिखा देती हूँ, इस टाइप से आती है। इसको अभी मैंने अनबॉक्स नहीं करा और ये बहुत पहले आ गई थी तो इसको मैंने पहले अनबॉक्स कर लिया। इसके अंदर से ये ब्लैक ड्रेस मिलती है हमें, जैसी देखी थी सेम बिल्कुल वैसी रिसीव हुई है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। यहाँ पे आप देखिए ये इसकी फ्रंट साइड एंड ये है इसकी बैक साइड। सो इसका मैं आपको पूरा लुक दिखा रही हूँ, कुछ इस टाइप से आएगी है। फ्रंट साइड में आपको ये लूज सा मिलेगा, इस टाइप से है ये लूज सा, बट जिस टाइम पे हम इसको वेयर कर लेते हैं ना तो यहाँ पे आप देखेंगे इसके साइड में जो इस टाइप से सिलाई लगाई हुई है तो ये मतलब इसी टाइप से लंबे लंबे इस तरीके से लगती है बाद में, तो मतलब एक इसका डिजाइन बन जाता है। इसका प्राइस 1000 समथिंग है इसका भी। ये है दूसरा पैकेट, अभी कुछ ठीक से नजर नहीं आ रहा है। तो गाइस ये है वो ड्रेस, रियल में वैसी है जैसी मैंने वहां पे देखी थी, मैं आपको फोटो दिखाऊंगी, सेम बिल्कुल वैसी आई है, मैं बिल्कुल सरप्राइज्ड हूँ। काफी प्यारी सी है, आप इसकी स्लीव्स देखिए, काफी प्यारी सी है और एक मतलब बढ़िया सा फैब्रिक भी लग रहा है। तो इसका अमाउंट मुझे याद नहीं है, मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी और मैं मतलब सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ इसको देख के। तो ये इसका फ्रंट लुक कुछ ऐसा आ जाएगा। बैक साइड से ये इसकी जो बैक है बिल्कुल गायब ही है, बैक नहीं है इसकी,
इतनी आपको जैसे जितनी कमर होती है ना उतना आपको बैकलेस मिलेगा। यहाँ पे ये डोरियाँ मिल जाती हैं, ये कुछ इतनी लंबी सी, इसमें यहाँ पे पीछे बैक में एडजस्ट करने के लिए, और साइड में हमें ये एडजस्ट करने के लिए इन डोरियों को ये इस टाइप से हुक वगैरह से बनाए हुए हैं, जिससे कि हम बढ़िया सी एक सुंदर सी बैक क्रिएट कर पाएं। ये जो मैंने आपको अभी ब्लैक वाली दिखाई थी ना, ये वाली ब्लैक वाली, दोनों बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है, तो आप लिटिल बॉक्स को ट्राई कर सकते हैं। बेझिझक रिटर्न पॉलिसी है, एक्सचेंज पॉलिसी है, परफेक्ट साइज नहीं आता, अच्छी नहीं लगती। इन सभी के लिंक आपको कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे, एंड आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी इनको मंगा सकते हैं, या फिर ये सभी ड्रेसेस मिंत्रा पे भी अवेलेबल है, अमेजोन पे भी अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है। मिलते हैं मेरी अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।